नमो देवी महाविद्ये, नमामि चरणो तव, सदा ज्ञान प्रकाशम, मैं देही सर्वार्थ दे शिवे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। नवरात्र सनातनी हिंदुओं का अत्यंत पवित्र तथा प्रमुख त्यौहार है। नवरात्र की पूजा 9 दिनों तक पवित्र मनोभाव से की जाती है तथा इन 9 दिनों में माता जी के भिन्न भिन्न 9 स्वरूपों की पूजा तथा आराधना पूर्ण भक्ति भाव से की जाती है। माता जी के 9 रूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, कालरात्रि, माँ महागौरी तथा सिद्धिदात्री माँ। प्रत्येक वर्ष में मुख्य 2 बार नवरात्र आते हैं तथा गुप्त नवरात्र भी आते हैं। चैत्र नवरात्र को प्रत्येक नवरात्रों में सर्वाधिक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत वर्ष में चैत्र नवरात्र के पर्व को अत्यंत श्रद्धा तथा विश्वास के साथ 9 दिनों तक व्रत करके मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र से ठंडी की ऋतु समाप्त होती है तथा गर्मियों के मौसम का प्रारंभ हो जाता है। अतः यह नवरात्र वह समय है जब 2 विपरीत ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के स्वरूप में हम तक भूलोक पर पहुंचती हैं। अतः इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए लोग विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी के स्वरूपों की साधना पूर्ण श्रद्धा से की जाती है। अतः नवरात्रों में माता जी का पूजन पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। देवी के पूजन करने की विधि दोनों ही नवरात्रों में लगभग एक समान ही रहती है। इस त्यौहार पर सुहागन या कन्या प्रत्येक महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या संपूर्ण 9 दिवस तक व्रत रखते हैं तथा 10वें दिन कन्या पूजन तथा हवन के पश्चात व्रत खोला जाता है, अर्थात व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, किंतु कभी कभी तिथियों में बदलाव के कारण नवरात्र का पर्व कभी 8 दिनों तक तो कभी कभार 10 दिनों तक भी मनाया जाता है। अपने संकल्प के अनुसार 9 दिन तक व्रत रखने वाली महिलाएं नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन तथा हवन करते हैं। नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है तथा नवमी के दिन ही दुर्गा महापूजा भी की जाती है। नवमी के दिन पंडालों में विशेष पूजा आरती का आयोजन किया जाता है तथा भक्तजन अपने परिवार या समूह में विविध प्रकार के आयोजन से भजन कीर्तन करते हैं। किंतु यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं नवमी के दिन नवरात्रि के व्रत का पारण करती हैं तो कुछ 9 दिनों तक व्रत रखने के पश्चात 10वीं तिथि के दिवस शुभ मुहूर्त में पारण करती हैं। साथ में यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं अष्टमी तिथि पर हवन करती हैं तो कुछ नवमी के शुभ दिवस पर। नवरात्रि व्रत के पारण का विधान। निर्णय सिंधु पौराणिक ग्रंथ के अनुसार चैत्र नवरात्रि पारण तब किया जाना चाहिए जब नवमी तिथि समाप्त हो रही हो तथा 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही हो। जैसा कि शास्त्रों में भी उल्लेख प्राप्त होता है कि चैत्र नवरात्रि उपवास प्रतिपदा से प्रारंभ करके नवमी तिथि तक रखना चाहिए तथा इस दिशा निर्देश का पालन करने हेतु चैत्र नवरात्रि का व्रत संपूर्ण नवमी तिथि के दिन तक करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम है कि जब नवमी 2 तिथियों में हो तथा प्रथम तिथि के मध्यान्ह में नवमी हो तो व्रत या त्यौहार उसी दिवस किया जाना चाहिए। किंतु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्यान्ह में पड़ रही हो या जब किसी भी दिन मध्यान्ह में नवमी न हो तो 10वीं से युक्त नवमी में व्रत करना चाहिए। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के नवमी का व्रत एवं रामनवमी का पर्व तथा कन्या पूजन एवं नवरात्रि व्रत का हवन किस दिन किया जाएगा, यह मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 20 अप्रैल मंगलवार की मध्य रात्रि 12:43 से प्रारंभ होकर 21 अप्रैल बुधवार की मध्य रात्रि 12:35 तक व्याप्त रहेगी। अतः चैत्र नवरात्रि के नवमी का व्रत, व्रत का हवन तथा कन्या पूजन
21 अप्रैल बुधवार की प्रातः 6:22 से 11:27 तक किया जाएगा। साथ ही रामनवमी का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। कुछ लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन करते हैं, जो कि 20 अप्रैल मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 21 अप्रैल बुधवार की मध्यरात्रि 12:35 से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल गुरुवार की रात्रि 11:35 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2021 में चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 22 अप्रैल गुरुवार की प्रातः 6:01 के पश्चात का रहेगा। कुछ लोग कन्या पूजन के पश्चात ही व्रत का पारण कर देते हैं, जो कि 21 अप्रैल बुधवार की प्रातः किसी भी समय किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि पारण के दिवस अन्य महत्वपूर्ण समय इस प्रकार हैं: 22 अप्रैल 2021 गुरुवार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:51, राहु काल दोपहर 2:02 से 3:38, नवमी मध्यान्ह समय 12:26, सूर्योदय प्रातः 6:21, सूर्यास्त साय 6:51, चंद्रोदय मध्यरात्रि 2, चंद्रास्त मध्यरात्रि 3:23। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।